हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन एपिसोड नंबर 750 के आसपास का, यानी कि 750 एपिसोड बना चुका हूँ सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। जहां पे एक दिन पहले आपको सेटअप बताता हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की। आजकल तो हर कोई भाई एनालिसिस करने जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी की। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर ले, जाके चेक करना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। एनीवे तो चलिए हम बात करते हैं सीधे लेवल्स पे, सेटअप पे कि कल की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, यानी कि मंडे के लिए। भाई ध्यान से समझ लेना, मैंने बताया था कि भैया मार्केट में पहला जो मतलब फुल एंड फाइनल टारगेट मेरा 22,970 तक का था, मैं अपना पोजिशन यहाँ पे निकल के बैठ चुका हूँ। अब इसके ऊपर डांस करते रहे, लक्ष्मण रेखा तो काम करेगा, कर लिया, लेकिन मैं ऊपर के लेवल पे टॉप के लेवल पे चौड़े में बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। हो सकता है यहां से 1000 पॉइंट भाग जाए। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करो, लेवल्स को नोट डाउन करो और इन लेवल्स को अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर दो। मेरा फेवरेट अगर चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो फायर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपके पास नहीं है तो अकाउंट ओपन कर लेना, और जीरोधा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपके पास नहीं है तो अकाउंट ओपन कर लेना। आपको ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर मिल जाएंगे, जो आपको करना है सारी चीज मिल जाएगी जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको एक बड़ा ब्रोकर चाहिए तो एंजल ब्रोकिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर कर लेना। तो हमेशा कोशिश करो अपना पैसा एक ब्रोकिंग फर्म में मत डालो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए एक में, 3 लाख एक में, 4 लाख एक में ऐसे डालो। अगर आपके पास 50 लाख रुपए तो 20 लाख 20 लाख 10 लाख ऐसे करके डालो। अगर एक अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए रखो, एक अकाउंट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखो, एक सिर्फ आरएनडी के लिए रखो, इस तरीके से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, सो दैट जब आप मंथ एंड में या साल के एंड में कुछ कर रहे हो, कुछ भी आप अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हो, सेटअप बना रहे हो, कुछ भी लॉजिक बना रहे हो, तो क्लियर रहे कि इस साल में इस सेटअप में कितना पैसा होना। जो मैं करता हूं वो ही मैंने आपसे शेयर किया, बाकी आपकी इच्छा। और जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं एक लर्निंग प्रोवाइड करता हूं जो सैटरडे संडे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, किसी को एक रुपया नहीं देना है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और एक रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूं, रेफरल एक छोटा सा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा हो सकता है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना, वीडियो को ध्यान से समझिए, सीखिए, लर्निंग लेने की कोशिश करिए जो मैं आपको देना चाहता हूं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से, राइट। अब ध्यान से समझना जो लेवल्स बता रहा हूं, 23,147। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा 10 मिनट कम से कम, देन ओनली आई विल थिंक फॉर द बाय। मेरा टारगेट होगा 23,270 का पहला और 23,370 का, एक सेकंड सर मैं लिख नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा, एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप अब मैं लिख पाऊंगा, राइट। सो मेरा 23,147 के ऊपर समथिंग लुकिंग वेरी बिग, 23,270 एंड 23,370 तक का लेवल्स रहेगा, ये ऊपर के टारगेट रहेंगे। लेकिन स्टिल अगर आज आप 10-15-20 लॉट पे काम कर रहे हो तो मेरी कोशिश रहेगी सिर्फ और सिर्फ, अगर वाकई में ट्रेड करने का मन है तो एक या दो लॉट पे करिए, टॉप पे मत करिएगा। कोशिश करिए सर 4 जून यानी इलेक्शन तक का टाइम, जो इलेक्शन का होता है, एक फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप थोड़ा सा मार्केट में स्टे अवे, या फिर मार्केट में, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको सेफ्टी लेने की बात कर रहा हूं। अगर सेफ्टी लेना डरना होता है तो बाकी आपका कॉल है। मार्केट में लोग आएंगे क्योंकि सर इस 2-3 साल में हर बंदे ने, ऐरे गहरे नत्थू गहरे, हर बंदे ने पैसा बनाया, हर बंदे ने पैसा बनाया, मैं बोलूंगा जो भी आपको दिखा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सही टाइम पे सही प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी, बस बाकी आपको बात करेंगे कभी अपने पर्सनल सेशन में, बात करेंगे क्लास में, बात करेंगे, एनीवे बाकी मेरा काम था आपको अलर्ट करना, बाकी आप समझदार हो, लेवल्स मैंने आपको अपडेट कर ही दिए। बाय चांस मार्केट 22,970 के नीचे सस्टेन करेगा तो पहला 22,870, दूसरा 22,847 तक का लेवल होगा लोअर लेवल पे, और इसी जोन पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने का लोअर लेवल पे। एनीथिंग फॉर द, एनी डिक्लाइन ऑफ पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाइंग रहेगा। लेकिन मार्क कर लेना मेरी बात, अगर बाई चांस 22,847 का लेवल भी टूट गया तो भैया फिर 770 दोबारा 22,670 तक का लेवल आएगा, दोबारा आपको 400-500 पॉइंट का नीचे निफ्टी फ्यूचर्स में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स मेरे सारे के सारे फ्यूचर्स अंदर वैलिड है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। और अगर आप वाकई में लाइव मार्केट में लर्निंग करना चाहते हो तो कम एंड ज्वाइन अवर ट्रेड विद लॉजिक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 11:30 बजे शेयर करता हूं, जहां पे सुबह सुबह कौन सा स्टॉक ब्रेकफास्ट ले आए या कौन सा स्टॉक सिलेक्शन में करना है, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करी है, वो स्ट्रेटजी के अंदर कौन से स्टॉक्स है, आपको कैसे रिएक्ट करना था, पूरा साइकोलॉजी देता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा जरूर। सुबह 11:30 बजे लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस रहती है, राइट। अब
बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के एनालिसिस हम लोग करेंगे, राइट। एक लक्ष्मण रेखा 49,256, 49,156 मार्केट इस जोन में, हो सकता है यहां से एक पैनिक आएगा और वापिस लेवल तक आएगा। तो अगर बाई चांस 49,256 का अगर ये लेवल क्रॉस कर देगा, 10 में सस्टेन कर जाएगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। मेरा जो पहला टारगेट होगा 49,456, 49,856 तक का भी ऊपर टारगेट रहेगा। एंड ये जो जोन है 50,000 का जोन, ओनली थिंक फॉर द सेल। फिर से ऊपर पे ठोकने की कोशिश करेंगे, बात खत्म, राइट। बाय चांस जो लॉयल हार्ट ट्रेडर है जिसमें शेयर का जिक्र है, 48,850 का लेवल नोट कर लो, बाय चांस इसके नीचे सस्टेन करेगा तो 48,256, 48,156 तक का लोअर टारगेट होगा और इसी जोन पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। तो सीख कर समझ कर ही इन्वेस्ट करें, बाकी अपने फाइनेंशियल डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। सर एक सेटअप मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िएगा, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे रिसेंटली मैं आपको एक फ्री क्लास दूंगा जिसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है और एक्टिव नहीं है तो भैया एक्टिवेट करा लेना, बाकी आपकी मर्जी। जय हो, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। रुको, एक अकाउंट और दिखा देता हूं आपको। इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा इस अकाउंट का क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सर, 1/4/2024 से लेके 25/5/2024 यानी कि आज से 1/4, दो महीने खत्म नहीं हुए, बट स्टिल अप्रैल से लेके अभी तक डेढ़ दो महीने में, यानी कि जो भी आप कह लो सर, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए नेट रियलाइज प्रॉफिट बनाया है। जहां पे अगर मैं बात करूं, 1,26,000 रुपए ब्रोकरेज दी है, यानी कि 1 लाख आपका, सॉरी 21,30,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बना, जिसमें से ब्रोकरेज आप जो देख ही रहे हो कितने टैक्स और ये निर्मला मैम से भी लोगों ने रिसेंटली सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपसे ज्यादा तो ब्रोकरेज से ज्यादा तो आप लोग ले जाते हो, तो स्लीपिंग पार्टनर एंड ऑल बहुत सारी बात हुई थी। तो यहाँ पे देखो सर, ये गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है 1,26,000 रुपए, वो बैठे बैठे ले लेती है हमसे, हर चीज में टैक्स लग रहा है। एनीवे, जो भी है पार्ट ऑफ द गेम, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव वे में सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडर हो तो भैया आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दो पैसा कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज्यादा कम वो अलग टॉपिक है, वो आपके ऊपर है। तो इस अकाउंट का आप देख लो, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए हम लोग ये डेढ़ महीने में इस अकाउंट में बना के बैठे। दिस इज लाइफ लेजर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप सोच रहे हो स्क्रीनशॉट है, क्योंकि आजकल बहुत फेक ऐप भी बन गए मेरे दोस्तों, तो ये देख लो, बहुत सारे फेक ऐप बन गए जो लोगों ने आपको बीच में, जो लोग कह रहा हूं ना सर, मार्केट में जो लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, जिनको पैसा कमाने का कुछ नहीं पता, वो भी ज्ञान फैलने में लगे पड़े हैं भाई। सब इन्फ्लुएंसर बने पड़े, सब यूट्यूबर बने पड़े, बड़े बड़े लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, बट रियल ट्रेडिंग देख लो, लाइव आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। इस महीने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन सिर्फ लॉस में है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज मैं आपके लिए लाइव लेके आऊं, उसके लिए भी रेडी हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना #LiveTradeWithKingResearch, तो मैं आप लोग के लिए ये भी अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि लाइव भी हम करें। अच्छा दोस्तों, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। सैटरडे आज, कल संडे है, थोड़ा सा टाइम मार्केट को 1 घंटा निकाल के एनालिसिस करो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, किसी के लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो, चैरिटी करने की कोशिश करो, किसी को कुछ खिलाने की कोशिश करो। गर्मी का टाइम है, पानी आसपास जो जंगली जानवर है आपके सामने जो घूमते हैं, पेट डॉग घूमते हैं, उनके लिए कुछ पानी का व्यवस्था कर दो, चिड़ियों के लिए कुछ खाने का व्यवस्था कर दो, कर सकते हो दोस्त, 10-15-20 रुपए में हो जाता है, प्लीज जरूर करिएगा, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और करके मेरे साथ ट्विटर पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखना।